आपके माध्यम रखना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री एसटी हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे इस डिबेट में बोलने का मौका दिया। 70 साल का इतिहास सुबह से हम लोग सुन रहे हैं। अच्छी बातें भी हैं, मीठी भी हैं, खट्टी भी हैं, सभी कुछ है। हमने प्रधानमंत्री जी का पहली बार सकारात्मक भाषण भी सुना, जिसमें पहली बार हमने देश के एक बहुत बड़े राजनीतिक इंसान जवाहरलाल नेहरू जी की तारीफ इस दल से पहली बार सुनी। वो फ्रीडम फाइटर जो 9 साल तक जेल में रहे और उन्होंने देश को उस वक्त संभाला था जब हमारे देश में गाड़ियों में लकड़ी के पहिए चला करते थे, साइंस टेक्नोलॉजी में हम कहीं नहीं थे। धीरे धीरे हम आगे बढ़े और हम इस दौर में आ गए कि जहां सोफिस्टिकेटेड गाड़ियां और हर तरह की सुविधाएं हमें मैसर हैं। ये हमारी तरक्की होती चली गई। सर, मैं जब पहली बार सदन में आया, मैं तो पहली बार का सांसद हूं, मैंने सदन का शेप देखा, मुझे बापू का वो रंग बिरंगी गुलदस्ता याद आ गया। यहां पे हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर रंग के लोग मौजूद थे और इस गुलदस्ते की खूबसूरती मैंने इस पार्लियामेंट के अंदर देखी। सर, हम ने वो दौर भी देखा था जवाहरलाल नेहरू जी के बाद, बहुत मिसेज इंदिरा गांधी भी तशरीफ लाई और इंदिरा गांधी के जमाने में जब हमने एटॉमिक ब्लास्ट करा था, हम एटॉमिक पावर भी बने थे, वो भी पल हमारे लिए स्मरणीय है और गौरवशाली है। इसी तरह से हमारे देश ने इंसानियत की हमेशा खिदमत करी और 1971 में जब बराबर के मुल्क में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंसानियत पर जुल्म हो रहे थे तो हमारी प्रधानमंत्री जी ने अपनी फौजें उतार दी और उस मुल्क को इन आफतों से और इन जुल्मों से बचा लिया था। ये तमाम बातें हमारे देश में होती चली आई। सर, हम ये जानते हैं बहुत सी चीजें नकारात्मक भी हमने देखी। इस 17वीं लोकसभा में हम आए, हमारे एक साथी हमारे साथ थे जो देश के नेता हैं, जिनको ऐसे ऐसे चार्जेस में फंसाया गया जिनका नाम आजम खान साहब है, वो इसी हमारे कुलीग थे। कहीं मुर्गी चोर, कहीं बकरी चोर, कहीं भैंस चोर, अब पता नहीं क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए और आज भी उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उस नेशनल लीडर के साथ ये सब कुछ हुआ और जब हमने अपने संरक्षक से शिकायत करी तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अध्यक्ष जी को भी अब बहुत असहाय पाया। हमने प्रधानमंत्री जी से मिलने की कोशिश करी, हमें टाइम नहीं मिला। सर, प्रजातंत्र में ये परंपराएं हमारी स्वयं में नहीं आती कि प्रजातंत्र इस तरह से आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हमने 17वीं लोकसभा में सर हमारे कुछ ऐसे बिल पास हुए, सीएए आ गया, 3 तलाक का बिल आया, 370 को हटाया गया जिससे हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की दिलासारी हुई। और इसका संदेश क्या गया देश के अंदर? संदेश यह गया कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे परेशानी होने लगी, किसी को मस्जिद पे, तो किसी को मदरसे पे परेशानी होने लगी। क्या ये वही बापू का देश था जहां पे हम सब में प्यार मोहब्बत से मिलके मंदिरों के तहखाने में एक तरफ नमाज पढ़ते थे, एक तरफ पूजा करते थे? हमने इस तरह से देश को आजाद कराया है जब हम एक थाली में खाना खाते थे। आज हम किस जगह पे आ गए कि यहां मंदिर ना हो, यहां मस्जिद ना हो, यहां अजान ना हो, यहां नमाज ना हो? अरे क्या पैदा करने वाला मेरा और है और आपका कोई और है? पालनहार क्या अलग अलग हो गए? सर, ये राजनीति बहुत खतरनाक दौर से गुजर रही है, देश के लिए बहुत खतरनाक है। अगर आज हमने ये नहीं समझा तो आगे आने वाला भविष्य हमारा अंधकार में है। हमें प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने सर कानून पास करे, हम चाहते हैं कि हम इस लोकसभा से दूसरी लोकसभा में जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा प्यार मोहब्बत, सांप्रदायिक सौहार्द, सर्वधर्म संभाव और वासुदेव कुटुंबकम के फंडामेंटल पे हम आगे बढ़े, तभी हम दुनिया में महाशक्ति बन सकते हैं। हम नई पार्लियामेंट के अंदर सर चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। समाजवादी पार्टी उसकी पक्षधर है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि एससी एसटी
और ओबीसी और मुस्लिम्स का भी उसके अंदर अलग से रिजर्वेशन हो, और ये रिजर्वेशन पार्टियों के ऊपर लागू हो, इलेक्शन कमीशन के ऊपर नहीं लागू होना चाहिए। पार्टियां अपने हिसाब से वुमेन्स को टिकट दें, कहीं ऐसा ना हो कि जहां जहां हमारे बड़े बड़े नेता खड़े होते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन उनसे नाराज है तो उसको महिला डिक्लेयर कर दे। सर, हम चाहते हैं कि नई पार्लियामेंट के अंदर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि एक सांप्रदायिक सौहार्द बने। लोग मौका उठा रहे हैं देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का। अगर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप और स्ट्रेंथन करेंगे, प्लीज सुन लिए, स्ट्रेंथन करेंगे तो हम प्यार मोहब्बत से, एकता से और सांप्रदायिक सौहार्द गंगा जमनी तहजीब से अपनी नस्लों को ये तहजीब दे के चले जाएंगे। वरना हमारी नस्लें यकीन जानिएगा हमें कभी याद नहीं करेंगी, वो हालात पैदा ना हो जाएं। आज देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान बहुत फिक्रमंद है, बहुत परेशान है कि हमारी नस्लों का आगे क्या होगा, कहां हमें इंसाफ मिलेगा और कहां हमारी बात सुनने वाला कोई होगा या नहीं होगा। हालांकि मैंने देखा इस पार्लियामेंट के अंदर, मैं धन्यवाद देता हूं अपने स्ट्रेटजी बेंच वालों को, कि जब भी हमने कोई समस्या जन लोगों की समस्या की बात करी तो इन्होंने हमारी मदद करी, जब भी हमने कोई क्वेरीज करी तो इन्होंने हमारी मदद करी। हमारे मनभेद हरगिज हरगिज नहीं है, हमारे मतभेद जरूर हैं, वो हम पार्लियामेंट के अंदर हैं, बाहर हम सब एक हैं। सर, G20 हुआ, हमें खुशी है कि देश का नाम आगे बढ़ा, ऐसे आयोजन पहले भी बहुत हुए थे और होते रहने चाहिए। G20 से हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। नॉन अलाइन मूवमेंट भी हुआ था यहाँ पर, उसकी भी बहुत बड़ी एक इवेंट हुई थी। सर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे देश के फंडामेंटल है सर्वधर्म संभव वासुदेव कुटुंबकम, अगर हमने इसको नहीं बचाया तो भी हम देश को नहीं बचा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद श्री मनीष।